राधे राधे सभी को। गुरु पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, साथ ही जिन लोगों ने गुरु नहीं बना रखे हैं या गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है वो लोग गुरु पूर्णिमा पर पूजा किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा वाले दिन जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करेंगे और तत्पश्चात स्नान करने के बाद में लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें लड्डू गोपाल की सेवा गुरु पूर्णिमा वाले दिन कैसे करनी है। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन यानी जिस प्रकार आप रोज़ाना अपने लाला को जगाते हैं, हम ठीक उसी प्रकार अपने लड्डू गोपाल को जगा लेंगे और जल या दूध जो भी पिलाते हैं हम वो भोग लगा करके लड्डू गोपाल को थोड़ी सी देर बाद हम स्नान कराएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पात्र ले लिया है जिस परात में मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ, उसमें मैंने चंदन से ओम बना लिया है। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। और कुछ मैंने यहाँ पर फूल ले लिए हैं यानी गुलाब की पत्तियाँ ले ली हैं, वो उस पात्र में डालकर लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। और गुरु पूर्णिमा हो और सावन का महीना लगने वाला है तो विशेषकर पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष फल मिलता है। तो हम कहीं नदियों में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं या गंगा स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर स्नान आप लड्डू गोपाल को करा सकते हैं और खुद भी गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करना विशेष महत्व फल रखता है। वैसे तो गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान और दान करना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण से आप नहीं जा पा रहे हैं तो इस प्रकार से आप घर पर ही लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं और ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं। तो हमारे प्यारे से लाला यहाँ पर स्नान कर चुके हैं, उसके बाद में हम अंग पोषण करेंगे। तो किसी भी टॉवल से किसी भी वस्त्र से आप लड्डू गोपाल को पोंछ सकते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर वस्त्र पहनाएंगे। आप चाहें तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने लड्डू गोपाल को नई ड्रेस पहना सकते हैं, पीले कलर की या फिर सफ़ेद कलर की। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को पोंछ दिया है और जो जल है वो आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं यानी गमले में डाल सकते हैं। और साथ ही अब बात कर लेते हैं जिनके गुरु नहीं हैं यानी जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है वो लोग गुरु पूर्णिमा पर किसकी पूजा करेंगे और कैसे करेंगे, और यानी जिनके कोई गुरु नहीं है वो क्या करें। जिन लोगों के गुरु नहीं हैं उन्हें अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। आप चाहें तो शिव जी का पूजन कर सकते हैं, विष्णु जी का पूजन कर सकते हैं, गणेश भगवान का पूजन कर सकते हैं, सूर्यदेव भगवान का पूजन कर सकते हैं, देवी दुर्गा माता का पूजन कर सकते हैं, हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं, श्री कृष्ण यानी हमारे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप का पूजन कर सकते हैं, यानी इनको गुरु मानकर इनकी आप पूजा सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा अपने माता पिता घर के अन्य बड़े लोगों को गुरु मानकर उनकी पूजा भी की जा सकती है। तो जिन लोगों के गुरु नहीं है यानी गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है तो जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो लोग अपने इष्ट देव किसी भी जो भी भगवान हैं आपके इष्ट देव मानते हैं आप उनकी पूजा सेवा कर सकते हैं। सभी के घरों में यहाँ पर लड्डू गोपाल विराजमान हैं तो जिन लोगों ने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है वो लोग अपने लड्डू गोपाल को गुरु मानकर उनकी पूजा सेवा कर सकते हैं। और देखिए दान की बात करें तो इस दिन वस्त्र का दान किया जाता है, फल फूल माला अर्पण करके आप गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, उनके लिए कोई उपहार दे सकते हैं। अगर आप अपने लड्डू गोपाल को गुरु रूप में पूज रहे हैं उस दिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए कोई छोटा सा गिफ्ट ले करके आ सकते हैं, उपहार ले के आ सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे प्यारे लाला यहाँ पर श्रृंगार करके बैठ चुके हैं अपने सिंहासन पर और गुरु पूर्णिमा है। जैसे कि पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा पूरी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है तो यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल ने सफ़ेद रंग की पोशाक धारण की है, सफ़ेद और पिंक कलर की पगड़ी लगाकर बहुत ही प्यारे से हमारे सुंदर से लाला सज के तैयार हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारे ये लाला कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। और साथ ही जिन लोगों के गुरु हैं गुरु दीक्षा ले रखी है वो लोग इसी प्रकार से अपने लड्डू गोपाल के साथ में गुरु का जो भी आपके पास फोटो है, मूर्ति है, तस्वीर है उसको रखकर हम इसी प्रकार से उनका भी पूजन करेंगे। गुरु पूर्णिमा भारत में अपने आध्यात्मिक गुरुओं के सम्मान में उनके वंदन और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। हम सब मनुष्य के जीवन निर्माण में गुरुओं की अहम भूमिका होती है। सबसे पहला गुरु बच्चे की माता होती है जो उसको परिवार के तौर तरीके सही गलत की पहचान कराती है।
इसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसे विभिन्न सांसारिक गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है, जो कि शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में उसका ज्ञानवर्धक होता है। गुरु पूर्णिमा पर जब आप गुरु की पूजा करेंगे, यानी जिनसे आपने दीक्षा ले रखी है उनकी आप फ़ोटो विराजमान करेंगे, फूलों का आसन देकर हमें वो फ़ोटो विराजमान करनी है। उसके बाद में जल के छींटे लगाकर हमें शुद्धिकरण करना है, यानी भाव रूप में हमें स्नान कराना है। उसके बाद हम कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास चुनरी है या कोई भी कपड़ा है, वस्त्र है, वो समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम फूल समर्पित करेंगे, चंदन लगाएंगे और रोली लगाएंगे और चावल समर्पित करेंगे तिलक पर। उसके बाद में हम यहाँ पर भोग समर्पित करेंगे और भोग के साथ में आप जल भी समर्पित ज़रूर करिएगा। तो लड्डू गोपाल की आप सेवा कर रहे हैं तो भोग में आप तुलसी दल ज़रूर रखिएगा। जब आप अपने गुरु जी को भोग लगाएंगे तो उनके भोग में हमें तुलसी दल नहीं रखना है। तो यहाँ पर जो भी आप भगवान को विराजमान कर रहे हैं और अपने गुरु की फ़ोटो या प्रतिमा जो भी विराजमान कर रहे हैं, उनको हमें अलग अलग भोग लगाना है। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि हमें अलग अलग ही भोग समर्पित करना है। उसके बाद में धूप दीप जलाएंगे और पूजा आरती करेंगे। तो जो भी आपने भोग बनाया है वो भोग समर्पित कीजिएगा। सात्विक भोजन बनाया है उसका भी भोग आप समर्पित कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल को, अपने गुरु जी को। और आप चाहें तो ये पूजा एक अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं, और चौकी पर पीले रंग का या सफ़ेद रंग का कोई भी वस्त्र बिछाकर पूजा कर सकते हैं, या आप चाहें तो ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरा तो बस यही भाव है। सब कुछ मेरे लड्डू गोपाल, मेरे प्रभु, मेरे प्यारे, मेरे कान्हा, मेरे लड्डू ही हैं। यही मेरी राधा हैं, यही मेरे कान्हा हैं, यही मेरे सब कुछ हैं। तो इनको ही मैं सब कुछ समर्पित करती हूँ और अपना सारा भाव इन्हीं के ऊपर प्रकट करती हूँ। और गुरु पूर्णिमा पर मैंने अपने लड्डू गोपाल को जो ग्रीन कलर की पोशाक बनाई थी वो मैंने इनको गिफ्ट में दे दी थी, जो कि हरियाली तीज पर लड्डू गोपाल उनको पहन सकेंगे। तो गुरु पूर्णिमा की सरल पूजा विधि अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।